नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि आज के समय में सोशल मीडिया के स्टार की प्रॉपर्टी काफी बढ़ते जा रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया लाखों और करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टेल में सोशल मीडिया स्टार की एक महीने की कमाई और उनके नेटवर्क के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर इतना पैसा कमा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, मंजूर खट्टर। दोस्तों, मंजूर खट्टर को तो आप सभी जानते ही होंगे। जब टिकटॉक का नाम शुरू हुआ था तभी ये फेमस हुए थे और आज भी इनके चाहने वाले की संख्या लाखों है। दोस्तों, मंजूर खट्टर भारत के जाने माने एक्टर मॉडल हैं। अगर आप इनकी मंथली इनकम जानना चाहते हैं तो हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, फिर भी इनका इनकम शॉर्ट्स, मॉडलिंग और सोशल मीडिया पर प्रमोशन से होती है। अगर हम वहीं इनके नेटवर्क के बारे में बात करें तो इनकी नेटवर्क 70 से 80 लाख से लगभग है। नंबर 9, हसनैन खान। तो दोस्तों, हसनैन खान टिकटॉक पर काफी फेमस हुआ करते थे। ये बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वीडियो बनाया करते थे। इनके टिकटॉक पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन टिकटॉक बंद होने के बाद जब ये इंस्टाग्राम पर आए तब इन्हें काफी ज्यादा भी सपोर्ट मिला था। अगर इनकी नेटवर्क की बात करें तो इनका नेटवर्क भी 90 से 1 लाख करीब हो जाता है। दोस्तों, एक टाइम पर तो ये काफी ज्यादा कमाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इस सोशल मीडिया में काफी कम दिखते हैं। लेकिन फिर भी ये कई ब्रांड का प्रमोशन करके और बिजनेस की मदद से महीने के 1 से 2 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं। नंबर 8, रोहित जिंजरके। दोस्तों, रोहित जिंजरके के मशहूर एक्टर, मॉडल, सोशल मीडिया एक्टर हैं। इनको बचपन से ही एक्टिंग का बहुत ही शौक था और ये अपने स्कूल में होने वाले उत्सव पर भी भाग लेते थे। जब भारत में टिकटॉक बनने लगा तो इन्होंने अपना अकाउंट टिकटॉक पर बनाया और अपना वीडियो डालना शुरू कर दिया और फिर वैसे ही वायरल हुए और आज भी इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब पर काफी फेमस हैं। दोस्तों, अगर इनकी एक प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब पर बात करें तो हर महीने यूट्यूब से 2 लाख रुपए और साल के 26 लाख के आसपास कमाते हैं। आपको बता दें कि रोहित का मुख्य इनकम सोर्स यूट्यूब मीडिया एक्टिंग और सोशल मीडिया प्रमोशन से होती है। कुछ वेबसाइट के मुताबिक इनकी नेटवर्क 1 से 2 करोड़ के लगभग बताई जा रही है, पर इनकी तरफ से कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ है। नंबर 7, मानव छाबरा। मानव छाबरा एक मशहूर एक्टर, मॉडल और कैटरेट गैरी करेक्टर है। इनको बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था, इसीलिए अपने यूट्यूब की शुरुआत 2007 में की है। अगर वही हम इनकी इनकम के बारे में बात करें तो इनकी एक मंथ की इनकम $5 की होती है, जो कि भारतीय रुपए में 4 लाख के लगभग होती है। वही एक साल की इनकम 48 लाख के ऊपर लगभग होती है। इनकी यूट्यूब की कमाई सोशल मीडिया से निकाली गई है, लेकिन वेबसाइट की इंफॉर्मेशन एकदम सही नहीं होती, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, मानव छबड़ा का मुख्य इनकम मॉडलिंग, एक्टिंग, शॉल, सोशल मीडिया प्रमोशन से होती है। कुछ वेबसाइट के मुताबिक इनकी नेटवर्क 2 से 3 करोड़ के लगभग है। नंबर 6, अवेश दरबार। दोस्तों, अवेश दरबार एक टिकटॉक सेलिब्रिटी थे, फिलहाल डांस कोरियोग्राफर, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और साथ में अपना ये डांस क्लास भी चलाते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर है। अगर हम इनकी नेटवर्क के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इनकी नेटवर्क 2.5 से 3 करोड़ के बीच है। ये कई शो में भी काम करते हैं, जो लाखों रुपए भी लेते हैं, जिसकी वजह से ये महीने की 3 से 4 लाख लगभग कमा लेते हैं। नंबर 5, दानिश जहन। दोस्तों, इनके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनका नाम ही काफी है। दानिश जैन हमारे बीच निखरता हुआ सितारा की तरह थे और बॉलीवुड स्टार भी बनने वाले थे, लेकिन ये पर्सनालिटी से भी बहुत मशहूर थे। लेकिन एक हादसे के बाद सब कुछ खत्म हो गया। यह आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि इनकी इनकम यानी कि नेटवर्क $1 मिलियन थी, यानी कि करीब 8 करोड़ रुपए। और आपको यह भी बता दें कि हर महीने 10 लाख से ज्यादा कमाया करते थे। नंबर 4, सागर गोस्वामी। दोस्तों, सागर गोस्वामी के इस वायरल वीडियो को तो आप सभी जानते होंगे। सागर गोस्वामी यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम और कई जगह पर फेमस हैं। टिकटॉक
बैन होने से पहले इनके 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे और आज भी यह इंस्टाग्राम पर काफी फेमस है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार सागर गोस्वामी की 8 करोड़ रुपए है। सागर गोस्वामी अपने 100 रुपए के लिए मोटिविकेट भी लेते हैं और वो ब्रांड से भी पैसा कमाते हैं। और आपको यह भी बता दें कि टोनी कक्कर और नेहा कक्कर सिंगर के साथ भी काम कर चुकी हैं। नंबर 3 रियाज अली। दोस्तों रियाज अली भले ही उम्र में छोटे हैं लेकिन प्रियता में वरुण धवल को टक्कर कर देते हैं। यह मॉडल और इन्फेक्शन ब्लॉगर भी हैं। अगर हम वहीं इनके नेटवर्क के बारे में बात करें तो इनका नेटवर्क $2 मिलियन है और भारतीय मुद्रा में लगभग 16 करोड़ रुपए है। रियाज अली की एक महीने की कमाई 5 लाख रुपए है और वार्षिक इनकम 60 लाख है। इन्होंने कई सुपरहिट एल्बम भी दी है जो टोनी कक्कर और नेहा कक्कर के साथ भी काम कर चुके हैं। और अगर आपको भी बता दें कि रियाज के परिवार से न कोई बॉलीवुड से बिलोंग करता है न ही किसी बड़े घराने से, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी सफल हासिल कर चुके हैं। नंबर 2 मिस्टर फैजू। दोस्तों मिस्टर फैजू की $2.5 मिलियन है यानी कि भारतीय में कम से कम 20 करोड़ रुपए होती है। फैजू की एक महीने की कमाई कम से कम 10 लाख पैसे से भी ज्यादा है जबकि इनकी सालाना है 95 रुपए के आसपास। मैं आपको बता दी कि अपनी एक वीडियो से कम 50,000 रुपए कमाते हैं। फैजू का नेटवर्क 2016 में 25 लाख रुपए था जो अब बढ़कर 20 करोड़ रुपए हो गया है। आपको ये भी बता दे कि फैजू का के पास BMW की एक कार है जिसकी कीमत करीबन 1 करोड़ रुपए है। बाइक कलेक्शन की बात करें तो 500 कावासाकी और ऐसी पॉपुलर गाड़ी भी इनके पास है। नंबर 1 MC Stan। दोस्तों मोस्ट फेमस रैपर MC Stan राहुल गांधी के अलावा अपने ज्वेलरी राहुल गांधी को लेकर बने रहते हैं। बिग बॉस 16 के कैरियर पर और घर में एंट्री के समय में 70 से 80 लाख रुपए का नेकलेस लेके गए और 80,000 के जूते तो काफी सुखियों में रहे हैं। दोस्तों 23 साल की उम्र में MC Stan ने काफी पैसा बना लिया है। अगर इनका पूरा नेटवर्क को देखा जाए जिसमें इनसे घर से लेके गाड़ियां यहां तक कि जिनके कपड़े से लेके ज्वेलरी तक ऐड किया जाए तो इनकी कुल संपत्ति 22 करोड़ से ज्यादा की होगी और यह हर महीने 10 से 20 लाख रुपए कमाते हैं और साल में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। तो दोस्तों यही थे सोशल मीडिया के 10 सबसे अमीर स्टार। वैसे आप लोग में सबसे फेवरेट सोशल मीडिया स्टार कौन है कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे खास वीडियो के साथ, तब तक लाइन पर बने रहें। धन्यवाद।